बालको चिकित्सालय में हुए निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में अनेक लोगों ने लाभ उठाया। इसमें बालको नगर के अलावा बालको के गोद लिए गांवों और कोरबा शहर तथा समीपस्थ क्षेत्रों से अनेक मरीज आए। कई नेत्र विशेषज्ञों ने निशुल्क सेवाएं मरीजों को प्रदान की। इस शिविर में मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों के इलाज के लिए कई मरीज चिकित्सालय पहुंचे। बालको मुख्य चिकित्सालय में हुए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि बालको के अध्यक्ष श्री सीपी वैद्य की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता वैद्य ने कहा कि नेत्र हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेत्रहीनता जीवन को अंधकार में बना देती है। प्रशासन व सामाजिक संस्थाएं मानवीय दृष्टिकोण अपना कर आंखों की ज्योति प्रदान कर रही है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। आज अत्यंत हर्ष की बात है कि आज बालको में निशुल्क नेत्र चिकित्सालय शिविर आयोजन किया गया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये ऐसा सेवा का काम है जो सबके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं कि आंखें शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेत्रहीनता जीवन में अंधकार ला देती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से अपना ऑपरेशन करा नहीं पाते और पूरा जीवन अंधकार में व्यतीत कर देते हैं। उनके लिए इस तरह की शिविर वरदान स्वरूप है। इस तरह की शिविर से और डॉक्टरों ने इनको ज्योति प्रदान की है। ये महान सेवा का काम है, परम कल्याण का कार्य है और ये किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं है। इसके लिए कोरबा जिला प्रशासन, बालको चिकित्सालय, बालको प्रबंधन, डॉक्टर देश दीपक और हमारे लेडीज क्लब के संयुक्त प्रयास से यह सब संभव हो चुका है। नेत्रदान एवं निःशुल्क नेत्र चिकित्सा समाज सेवा का पवित्र कार्य है। अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्य में हाथ बटाने के लिए कोरबा जिला प्रशासन, जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं, बालको प्रबंधन, बालको चिकित्सालय तथा समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर बालको महिला मंडल की सदस्याएं 12 मार्च से इस शिविर को सफल बनाने में जुटे रहे। 13 और 15 मार्च को मोतियाबिंद सहित नेत्र संबंधी ऑपरेशन किए गए। इस कार्यक्रम में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर बीना अग्रवाल, डॉक्टर HS प्रसाद और डॉक्टर प्रदीप चौपे ने निःशुल्क परामर्श दिया और ऑपरेशन दिए। बालको चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देश दीपक, डॉक्टर NK भट्ट, मुख्य स्टाफ नर्स उषा कुमार और उनके सहयोगी दल, अधिकारियों और स्टाफ नर्सों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला मंडल की ओर से अध्यक्ष श्रीमती कमला सिंह, कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती शशि हांडा, सचिव श्रीमती नीलम पंत और समिति के सभी सदस्यों ने सराहनीय योगदान दिया। हो गया? निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेमलता बैत और विशिष्ट अतिथि श्रीमती शशि हांडा थी। दोनों ही अतिथियों ने चिकित्सालय और बालको लेडीज क्लब की सराहनीय सेवाओं के लिए प्रशंसा की और इस मौके पर चिकित्सकों तथा स्टाफ को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस शिविर में 202 मरीजों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 42 मरीजों को भर्ती किया गया और 37 मरीजों के ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए।